city. सुबह शाम खाना खाता होता है पेट में काफी टाइम हो गया निकली बेटा दिन में एक बार चाय रुक जा क्योंकि हर कोई हिंदी भी नहीं पढ़ सकता, इंग्लिश भी नहीं पढ़ सकता है ना, तो औरतों की बहुत सारी बीमारियां होती हैं है ना, तो कई बार आदमी झिझक से ही आधी बीमारियां तो औरतें बताती नहीं है ना, कई चीज़ें ऐसे जैसे कमजोरी है, कमर दर्द, पीठ दर्द, उसका इलाज तो करा रहती है ना, बाकी सारी बहुत सारी औरतों की बीमारियाँ होती हैं। आज हमने यहाँ पे इसीलिए प्रधान जी ने इसीलिए ये कैंप लगवाया कि जो औरतों की बीमारियाँ, जो यहाँ पे कोई लेडी डॉक्टर अभी नहीं है, नहीं आ पाते है ना, आप लोग नहीं बता पाते, तो उसको भी आप इंटरनेट पर भी देख सकते हो, चेक कर सकते हो, उसमें सारी जानकारी गढ़वाली में है ना, तो उसको पढ़ना ज़रूर। स्कूल जो जाते हैं बच्चे वो पढ़ के, जो भी मम्मी को घर में मौसी है, दादी है, बुआ, जो नहीं पढ़ सकते उनको भी पढ़ के बताओ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां पढ़ के समझ के अच्छी चीज़ें करके अपनी सेहत का ध्यान रख के ही रोकी जा सकती हैं, है ना। बताया पहले दोनों हाथ ऊपर किए, जैसे यहाँ पे ऊपर कर रखा है, एक बार सीधे खड़े हुए, फिर दोनों हाथ ऊपर किए, फिर एक दाहिना हाथ ऊपर किया, बाहरे हाथ से जाँच की, फिर बाहिना हाथ ऊपर किया और दाहिने हाथ से जाँच की, समझ भी लेना। और ये जो एरिया है ना, सब लिखा हुआ है, ये सारा इसको घर जाके पढ़ना, इसलिए दे दिया तुमको कि यहाँ चलो सबके सामने नहीं पढ़ना चाहते है ना, पर इसको पढ़ो, इसको समझो और अपने सर की कुछ जांच भी करो है ना, ये इसीलिए दिया है कि ये जरूरी है करना सबके। मैं यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण का कैल्प टेक फाउंडेशन की ओर से स्वागत व अभिनंदन करती हूँ।
विश्व भर में 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद करती हूँ कि आज हम चामासारी गांव में कैंप प्रोटेक्ट फाउंडेशन की तरफ से ये कैंप लगा रहे हैं और बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे उत्तराखंड में डॉक्टर की तरह से काम करते हुए, मैं यहीं जन्मी पढ़ी और एक डॉक्टर की तरह से यहाँ काम करते हुए भी 25 साल हो गए और विदेशों से शिक्षा लेके जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि महिलाओं के स्वास्थ्य की तरफ यहाँ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। पहाड़ों से बहुत सारी महिलाएं आती थी मेरे पास जिनको बचतानी का कैंसर, स्तन का कैंसर, ये सब बीमारियां होती थी और ये सभी बीमारियां जब तक हम उन्हें अस्पताल में पकड़ते हैं तो वो बहुत आगे की स्टेज में होती है। तभी हमने ये कैंप प्रोटेक्ट फाउंडेशन संस्था की स्थापना की थी कि जिससे कि हम पहाड़ों में भी ये जागरूकता पैदा करें कि औरतें अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें। तो आज का ये जो हमारा कार्यक्रम है इसमें हम आपके शुगर की जांच कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन की जांच कर रहे हैं, सभी तरीके की दवाइयां दे रहे हैं, जिस भी तरीके की आपको तकलीफ या बीमारी है बेझिझक होके हमारी 4 डॉक्टर्स की टीम है, मेरे साथ डॉक्टर रेखा हैं, डॉक्टर विनीता हैं, डॉक्टर पूजा हैं, हमारा नर्सिंग स्टाफ है और हमारे सारे बहुत सारे वॉलंटियर्स और कार्यकर्ता सब देहरादून से इसीलिए आए हुए हैं कि आज जो भी आपके स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्या है उसका हम निवारण कर सकें। और मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ प्रधान जी का कि उन्होंने पूरा ये इनिशिएटिव लेके ये कैंप हमारा आयोजित करने में मदद की, कहकशां जी का कि उन्होंने अपना समय निकाला और मेधावी जी आपका स्पेशल थैंक्स क्योंकि आपने एक इनिशिएटिव थ्रू जब आपसे स्टार्टिंग में बात हुई तो वहीं से हमारे ये स्टार्ट किया हमने कि चलिए अब इस रेंज में भी हम लोग करते हैं, चक्रौता वगैरह में हम लोग काफ़ी यहाँ तक कि बल्कि जोशीमठ आगे काफ़ी दूर दूर तक हमने कैंप किए बट ये वाला हिस्सा कुछ छूट गया था। तो अब हम चाहेंगे कि आपकी हेल्प से हम इस एरिया में भी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए काम करें। आप सभी लोगों का जो आप लोग यहाँ आए और जो कैंप प्रोटेक्ट की तरफ से मुझे भी इनवाइट किया गया और यहाँ पे जो कैंप लगाया गया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कैंप प्रोटेक्ट का। और यहाँ पे जो फैसिलिटी है उसकी मेडिसिन की, मेडिकल फैसिलिटीज़ और आपकी जितनी कोई भी बेसिक सुविधा हो वो बहुत ही बेसिक टाइप की है। तो इस गांव को चुनने के लिए तो मैं डॉक्टर प्रभाकर का काफ़ी धन्यवाद करूंगी कि इतना बिल्कुल शैडो एरिया है, बिल्कुल पास में राजधानी है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और जो पहाड़ों में यूजली जो औरतें हैं उनकी हेल्थ नेगलेक्ट ही रहती है, कोई बहुत ज़्यादा खुद ना महिलाएँ ध्यान देती हैं और ना ही उनके पास समय है या कोई ध्यान देने वाला है कि उनको भी ध्यान दे। ये और आप लोगों से कैंप प्रोटेक्ट से भी गुजारिश करेंगे कि ये जो आपने ब्रेस्ट कैंसर और गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए जो कैंप लगाया है तो इसके साथ साथ और भी बेसिक प्रॉब्लम हेल्थ इश्यूज हैं यहाँ पे लेडीज़ को, उनको भी आप लोग कवर करें। और साथ ही में हमारे डिविज़न के और भी एरियाज़ हैं, यू आर मोस्ट वेलकम ओवर देयर कि कभी भी आप आइए। हमारे बहुत दूर से ये लोग आए हैं, गुड़गांव से, घोड़ापुरी, नियरली उत्तर काशी बॉर्डर, कहीं देवलसारी में भी हमारी बहुत सी महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं, उनका बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी आगे भी जा रही हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारे गांव हैं, लगभग 350 के करीब गाँव हैं पूरे डिवीज़न में, लेकिन मात्र 2 या 3 ऐसे प्रधान हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके काम कर रहे हैं। जैसे इन्होंने हीरो कॉप्स को भी बुलाया और भी कई सारे, सड़क करवानी हो, बारात घर बनना हो, वट एवर। तो मैं प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और तो अब इन्होंने जो जो काम किया तो ये भी कभी आते हैं तो हम लोग जितनी हेल्प हो सकती है अपने स्तर से वो भी करते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो कैन प्रोटेक्ट के साथ साथ और भी कंपनी जैसे मैडम बता रही थी अभी आए हुए हैं लोग, तो उनका सबका धन्यवाद। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं वॉलंटियर्स, जो इतनी कम एज में जो बच्चे सिर्फ आजकल मोबाइल, टीवी, इन सब चीज़ों में बिजी रहते हैं, वो अपना संडे निकाल के आए हैं और आप लोग के साथ और भी जगहों पे जाते रहते होंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों के लिए भी एक आपने बहुत अच्छी पहल की हुई है कि बच्चों की जो एनर्जी है वो चैनलाइज हो और वो जो है सोशल वर्क की तरफ, एक जो लोगों की हेल्प करना जो कि बेसिक ह्यूमैनिटी है हमारी,
कैरेक्टर है उसके लिए आप उनको वो कर रही हैं, प्रेरणा दे रही हैं और उनसे करवा रही हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कैन प्रोटेक्ट संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आज यहाँ पे उपस्थित हमारे DFO मैम है, आपका भी मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। और मैं मैम से वादा करता हूँ कि हम बिल्कुल राजधानी से लगते हैं, जैसे DFO मैम ने कहा है स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे यहाँ बहुत ख़राब है, यहीं नहीं, मैं सरोवर न्याय पंचायत में प्रधान संघ अध्यक्ष भी हूँ, तो मैम से निवेदन करना चाहता हूँ कि और बहुत सारे ऐसे गाँव हैं, अगर आपको आगे होगा तो मेरा पूरा सहयोग आपको मिलेगा, मैं आपके साथ चलूँगा, जितने कैंप हो सकते हैं मेरी तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा।